अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम टोयोटा जीटी मोटर में गाड़ी की फ्रंट रूट स्कीमिंग और रेयर रूट स्कीमिंग कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि रूट स्कीमिंग किस तरह होती है। हम यहाँ से मशीन के साथ स्कीमिंग करते हैं। ये मशीन है, ये हैं जी हमारे खराद का काम करते हैं मिस्टर अहमद। ये है जी हमारा फ्लोर टोयोटा जीटी मोटर। ये जी ऑटोमेटिक रूट स्कीमिंग होती है, बाहर में चैनल रूट स्कीमिंग ऑटोमेटिक करते हैं। ये लगी हुई है जी मेरे पास गाड़ी टोयोटा जापान असम्बल है। सर्फ गाड़ी लगी हुई है। इसकी ब्रेक का काम कर रहा हूँ आज। इसकी फ्रंट रेयर रूटर स्कीमिंग और फ्रंट रेयर पैड चेंज होंगे। ये देखें, इस रूटर के ऊपर लाइनें पड़ी हुई हैं। इसको हम टूल लगा के फेस करेंगे, टर्निंग करेंगे उसकी। ये हाँ जी, ये ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इसने रोटर स्कीमिंग को जो है ना उसको इसकी जो फेस है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब हमने इसको फेस करेंगे मुकाबल। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर टूल लगा रहे हैं। टूल लगा के इसका फेस एक्यूरेट बराबर होगा। इसके बाद हम इसमें ये नए वाले डिस्प्ले डालेंगे। आप इसकी एल एंड देख सकते हैं इसमें कितना मोटा पैड है। ये इसका सारा ऊपर लेदर होता है। पता कि इन्होंने कितना इसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया। और जैसे कि हमारी ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट कर ये देखें जी, ये फेस हो गया, ये फेस बिल्कुल बराबर हो गया, एक्यूरेट हो गया बिल्कुल जी। टोयोटा के ओरिजिनल पैड्स फ्रंट और रेयर। ये देखें इस गाड़ी वाले ने कितना मिस यूज़ किया ब्रेक का। इसके साथ बिल्कुल मेटल नहीं है इसके साथ। ये देखें मेटल के साथ चल रहा है, लेदर बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। ये देखें कितना मोटा लेदर होता है इसका। ये पैड के ऊपर पत्तियां लगती हैं ताकि जब ब्रेक पैडल प्रेस करें तो ये आवाज़ ना करें, इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगाते हैं हम लोग ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह बैठ जाए। जो फ्रंट वाले पैड होते हैं वो पिछले की नस्बत थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। जो पिछले वाले पैड होते हैं वो छोटे होते हैं। चले जी, हमारे चारों व्हीलों के पैड तैयार हो गए हैं। पैड के ये वाले पॉइंट होते हैं, इन पर भी ग्रीस लगाई जाती है ये, ताकि ब्रेक प्रेस होने के दौरान ये किसी किस्म की भी कोई साउंड पैदा ना करें। हमारी कंपनी का उसूल है कंप्लेन ये किसी सूरत नहीं मानती। ये देखो पॉइंटों को ग्रीस हो गई है चारों को, ठीक है। इसके यहाँ पे ऊपर होती है, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आए गाड़ी में ब्रेक के हवाले से। ये इसका कैलिपर है, इसको अब हम यहाँ पे असम्बल करेंगे इस जगह पे। इसके अंदर यहाँ पे ये पैड होते हैं, ये जो पिस्टन है ये इसको पैड को प्रेस करते हैं तो प्लेट के साथ ये अटैच होते हैं। इसको अब हम असम्बल करेंगे। ये क्लिपर असम्बल हो गया हमारा और इसके साथ ही हमने ये नए पैड लगा दिए इसमें।
ये पैड हैं फ्रंट वाले, और ये इसके साथ पैड होल्डिंग पिन है। ये दो पिनें होती हैं ऊपर नीचे, और साथ में ये इसके पीछे ये लॉक होते हैं, लॉक ये दो लॉक, ताकि ये जो पैड होल्डिंग पिन है इसको ये बाहर पीछे ना ले। इस तरह ये हमारी ये पूरी साइड कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी फेस हो रहा है। बहुत ज़्यादा इम्बेलिश हो गया था, अभी हमने इसको फेस किया कंप्लीट फेस करके, अब ये जिस पैड इसमें डालेंगे तो उसकी, अब देखिए इसमें इशू क्या आता है, अभी इसका फेस कंप्लीट हो गया, जब ये रूटर टेढ़े हो जाएंगे इसमें आप जब ब्रेक इसको अप्लाई करेंगे ना तो स्टीयरिंग में गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन महसूस होगी बहुत ज़्यादा। इसको हम फिर टूल लगा के इसकी फेस और लाइन बिल्कुल एक्यूरेट बराबर करते हैं, उसके बाद जाके इसकी वाइब्रेशन वाला इशू ख़त्म हो जाता है। लग गए पैड ये देखें भाई जान, ये आखिरी मराइल में काम पहुंच गया है, इसके बाद बस अब व्हील टंगने हैं हमने। ये हमारा आगे वाला काम कंप्लीट हो गया है। और आप पीछे वाला रह गया, पीछे वाली स्कीमिंग रहती है। ये इस गाड़ी पे हम लोग कर रहे हैं रूटर्स की कैमिंग, ये इस वजह से होते हैं कि जब डिस्पैड आप उसको एक लिमिट होती है डिस्पैड यूज़ करने की, उससे ज़्यादा जब डिस्पैड यूज़ हो जाती हैं उस वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं, इसके ऊपर लाइन्स आ जाती है। अभी हम इसको टूल लगा कर प्रॉपरली इसकी लाइन्स क्लियर कर रहे हैं ताकि इसका फेस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं आपके सामने इसको लगाया जा रहा है, तो ये पहले हम लोग लेट पे जाके इसको उतार के जाके लगा के करते थे, अब ये हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी बहुत आ गई है कि हम इसको गाड़ी के साथ लगे लगे इसको टूल कर सकते हैं। इसका टूल मुकम्मल हो चुका है, अभी बंद करके हम इसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं नाजरीन बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल इसका लेवल हो चुका है टूल का, अब इसकी ग्रिप में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा इसका। और ये हमारा काम ख़त्म हो गया, गाड़ी लिफ्ट से ऊपर नीचे आ गई है, और अब हम इसका करेंगे रोड टेस्ट, ड्राइव टेस्ट होगा इसका। साहब अभी गाड़ी का रोड टेस्ट करने जाएंगे। ये ड्राइविंग का टेस्ट है, पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो लॉक है, उसकी कीज जो है गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उनकी ड्राइविंग का टेस्ट लिया जा रहा है। नहायत कम जगह गाड़ी गुजारने के लिए, लेकिन ये साहब अपनी ड्राइविंग का वगैरह दिखाते हुए गाड़ी का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।